हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एनालाइज करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स टू फाइंड द बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स 2023। फ्रेंड्स, डू यू नो स्मॉल कैप एक्चुअली बेस्ट कैटेगरी है टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। लुक एट दिस लेटेस्ट रिपोर्ट। जितने सारे कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप एक्सेट्रा, इनमें से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ही हैं जो ज्यादातर अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए हैं इन ऑल टाइम फ्रेम्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड इवन इन 2 ईयर्स। ऊपर से द रिटर्न्स ऑफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स इज माइंड बॉगलिंग। सी दिस, लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स देखे, इन सारे 23 स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स एटलीस्ट 30% तो है ही, कुछ ने तो 46-51% तक रिटर्न्स दिए हैं एक ही साल में। वहीं लास्ट 3 ईयर CAGR ज्यादातर फंड्स के अबाउट 40% एंड अबव है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर CAGR हाईएस्ट है अबाउट 60%। यानी 3 साल पहले अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 1,04,00,000 से ज्यादा हो जाते, यानी ओवर 300% रिटर्न्स। इनफैक्ट इन सारे 23 स्मॉल कैप फंड्स में से अगर आप किसी भी फंड में 3 साल पहले लमसम 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका 1 लाख रुपए 2,65,000 तो एटलीस्ट हो ही जाता, यानी के डबल से भी ज्यादा। तो ये तो इजी हो गया ना, फिर तो किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना। करंटली हमारे पास एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप्स में हाई रिटर्न्स कमाने का इन शॉर्ट टर्म। ये देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल को टच कर चुका है। एंड आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब मार्केट बढ़ता है तब सबसे पहले लार्ज कैप रैली करते हैं, फॉलोड बाय मिड कैप एंड देन स्मॉल कैप रैली। एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 का करंट लेवल से अबाउट 13% ग्रोथ पोटेंशियल है टू हिट इट्स ऑल टाइम हाई लेवल। एंड क्योंकि करंटली हम एक ग्रोथ फेज में ही है, आई सी अ पोटेंशियल ऑफ अबाउट 20-25% इन स्मॉल कैप फंड्स इन शॉर्ट टर्म। सो आई डोंट थिंक कि आप गलत फंड चूज करके इस मौके को गवाना चाहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अबाउट 23 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको मैंने फिल्टर आउट किया है फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिसिल रेटिंग। जिनकी भी रेटिंग 3 से कम है इट शोज कि उनकी रिटर्न कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट इज AUM, जिनकी AUM 1000 करोड़ से कम है आई विल नॉट चूज देम बिकॉज वो फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ स्मॉल कैप। आई विल ऑल्सो फिल्टर आउट फंड्स जिनको अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं बिकॉज देर आर अदर मोर रिलायबल फंड्स जिनको 10 ईयर से भी ऊपर हो चुका है। फाइनली आई एम लेफ्ट विद 9 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। नाउ ये जो रिटर्न्स हैं ये ट्रेलिंग रिटर्न्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर डेट से दूसरे डेट का रिटर्न बताता है। क्लियरली इट्स नॉट गुड फॉर चेकिंग कंसिस्टेंसी। हमें ऐसे फंड्स चाहिए जो सालों से कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स देता आया है। फॉर दैट वी नीड टू चेक रोलिंग रिटर्न्स। मैंने रोलिंग रिटर्न्स कंसीडर किए हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, रोलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। नाउ SBI स्मॉल कैप फंड का 3 ईयर रोलिंग रिटर्न है 28.7%। इसका मतलब ये है कि अप्रैल 2018 से कल तक आप किसी भी 3 ईयर पीरियड को चूज करेंगे तो इट्स मोस्ट लाइकली कि इस फंड ने 28.7% का CAGR दिया होगा। तो अब अगर हम कंपेयर करें 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स तो हम देख सकते हैं सबसे लोएस्ट 1 ईयर रोलिंग रिटर्न है HDFC के, फ्रैंकलिंग इंडिया के और HSBC के। इनफैक्ट इन्हीं 3 फंड्स के रोलिंग रिटर्न सबसे लीस्ट है इन ऑल टाइम पीरियड्स, विच शोज कि इनकी रिटर्न कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है। दैट्स व्हाई आई विल फिल्टर देम आउट। बचे 6 फंड्स। अब अगर हर एक साल में मैं टॉप 3 रोलिंग रिटर्न्स मार्क करूं ग्रीन में तो हम देख सकते हैं कि सारे टाइम पीरियड्स में जिस फंड ने हर बार टॉप 3 में से हाईएस्ट रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, विच मेक्स इट द मोस्ट कंसिस्टेंट स्मॉल कैप फंड। सेकंड हाईएस्ट कंसिस्टेंसी मुझे लगता है एक्सिस स्मॉल कैप में है, फॉलोड बाय क्वांट स्मॉल कैप। सो मेरे एनालिसिस के हिसाब से दिस इज माय रैंकिंग फॉर रिटर्न कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं रिस्क रेशियोज की, जिसमें अल्फा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांट का अल्फा हाईएस्ट है 17.63%, यानी कि इसने अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में 17.60% एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। वहीं सबसे कम अल्फा है SBI का, विच इज नॉट गुड। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू फिल्टर दिस आउट। अब बचे हैं 4 फंड्स, लेट्स हैव अ लुक एट बीटा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जितना भी बीटा की वैल्यू 1 से कम हो उतना कम वॉलेटाइल होता है फंड कंपेयर टू इट्स इंडेक्स। एंड हम देख सकते हैं कि बीटा इनफैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी सबसे ज्यादा क्वांट की है, विच शोज क्वांट स्मॉल कैप फंड इज द मोस्ट वॉलेटाइल अमंग देम। वहीं सबसे कम वॉलेटाइलिटी हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड में नजर आ रही है। सो इन रिस्क रेशियोज को एनालाइज करके मैंने ये समझा कि सबसे ज्यादा रिस्क है क्वांट स्मॉल कैप फंड में, सबसे कम रिस्क है एक्सिस स्मॉल कैप, वहीं रिटर्न पोटेंशियल भी सबसे हाई है क्वांट स्मॉल कैप में फॉलोड बाय निपॉन स्मॉल कैप। बट किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले 2 और रेशियोज को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपसाइड कैप्चर रेशियो एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो शो करता है कि जब मार्केट गिरता है तो कोई फंड अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा गिरता है, जितना ज्यादा इसकी वैल्यू 100 से कम हो उतना ज्यादा अच्छा। एंड आप देख सकते हैं डाउनसाइड कैप्चर रेशियो एक्सिस स्मॉल कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड के सबसे
कम है, विच शोज कि जब मार्केट गिरता है तब इन दोनों में कंपैरेटिवली ज्यादा करेक्शन नहीं आती। वहीं सबसे ज्यादा डाउनसाइड कैप्चर रेशियो क्वांट स्मॉल कैप का है 64%। अपसाइड कैप्चर रेशियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये शो करता है कि जब मार्केट बढ़ता है तब इंडेक्स के कंपैरिजन में कोई फंड कितना ज्यादा एक्सेस रिटर्न देता है। तो इसकी वैल्यू 100 से जितना ज्यादा होती है उतना ज्यादा अच्छा। एंड वी कैन सी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो अमेजिंग है 125%, विच मीन्स जब मार्केट बढ़ता है तब ये अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में 25% एक्स्ट्रा रिटर्न देता है। निपॉन का भी काफी अच्छा है 103%, बट बाकी दोनों के अपसाइड कैप्चर रेशियो उतने बढ़िया नहीं है। वैसे तो ये चारों बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स 2023 है, एंड अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ तो मैं इन चारों में से किसी दो या तीन फंड्स के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करूंगी, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा हेल्प करेगा रिस्क एडजस्टमेंट में भी। बट जैसे कि मैंने पहले बताया था, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। मेरे हिसाब से मार्केट करेंटली ग्रोथ फेज में है एंड आई सी अ पोटेंशियल ऑफ अबाउट 20-25% इन स्मॉल कैप कैटेगरी। सो अपवर्ड मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन के लिए आई एम गोइंग टू चूज फंड्स जिनका अपसाइड कैप्चर रेशियो हाई है, यानी के निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। सो नॉट अ रिकमेंडेशन, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से क्वांट एंड निपॉन स्मॉल कैप बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स 2023 है, बट बेस्ट इन 2023। निपॉन एंड क्वांट दोनों में एक सीरियस प्रॉब्लम है, एंड वो कंसर्निंग प्रॉब्लम है AUM, जिस वजह से अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले आई वुड स्टिल कंसिडर डिवाइडिंग माई फंड्स बिटवीन 2-3 फंड्स अमंग दीज फोर। सी निपॉन का हाईएस्ट AUM है ओवर 28,000 करोड़, जहां एक तरफ ये शो करता है लोगों का कितना ट्रस्ट है इस फंड पे, वहीं जितना ज्यादा AUM होता है उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है फंड मैनेजर के लिए मैनेज कर पाना। इसी रीजन के वजह से आप देख सकते हैं इनके नंबर ऑफ फंड्स कुछ ज्यादा ही है 170, विच इज इन अ वे ओवर डाइवर्सिफिकेशन। इनफैक्ट इस फंड का स्टॉक होल्डिंग देखेंगे तो आपको दिखेगा ज्यादातर स्टॉक्स की एलोकेशन 1-1.5% है बस। सो दिन ब दिन इसका AUM और बढ़ता जाएगा एंड और ज्यादा मुश्किल हो सकता है इस फंड को मैनेज कर पाना। बट इस फंड की अच्छी बात यह है कि करंटली बहुत ज्यादा AUM होने के बावजूद ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में भी कंसिस्टेंटली सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स देता आया है। क्वांट की बात करें तो आप कहेंगे इसका AUM तो ठीक ही नजर आ रहा है, बट फ्रेंड्स क्वांट स्मॉल कैप फंड्स एग्जिस्टेंस में आया 2018 में, इससे पहले ये एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड था। सो क्वांट फंड्स ने एक नया स्ट्रेटजी अपनाया, VLRT फ्रेमवर्क, इन विच दे एंड अप बाइंग एंड सेलिंग अ लॉट ऑफ स्टॉक्स वेरी फ्रीक्वेंटली। इसी वजह से क्वांट फंड्स का जो टर्नओवर रेशियो होता है वो काफी हाई दिखता है हमें। बट अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो इनका टर्नओवर रेशियो पहले और भी ज्यादा हुआ करता था। ओवर 100% टर्नओवर से अब ये 76% पे आ चुका है, एंड जैसे जैसे AUM ज्यादा होगा ये टर्नओवर रेशियो और भी कम होता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा AUM बढ़ेगा उतना ज्यादा फंड्स को फ्रीक्वेंटली बाय और सेल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। सो करेंटली ठीक है, स्ट्रेटजी स्टिल वर्किंग, बट कुछ सालों बाद जब AUM ज्यादा बढ़ जाएगा देन नोबडी नोज विल दे बी एबल टू जनरेट हाई रिटर्न्स और नॉट। सो फाइनली विच इज द बेस्ट स्मॉल कैप फंड 2023, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप? वेल आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन निपॉन वर्सेस क्वांट स्मॉल कैप फंड, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दैट एंड पैसिव इनकम वीडियोस। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, ड्रॉप ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट्स, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई देम।